ये हेयर मास्क हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आपके बालों में स्लिप्स है, बाल टूटते हैं, बाल्डनेस है, ड्राइनेस है, जो भी हेयर प्रॉब्लम है वो सारी हेयर प्रॉब्लम दूर होने वाली है इस हेयर मास्क से। सबसे पहले हमने एक गिलास वाटर ले लिया है और उसमें एक कटोरी राइस को हमने बॉईल करने रख दिया है। जब तक ये बॉईल होते हैं, जब तक हमने यहाँ पर एक कोकोनट ले लिया है और उसमें से उसका वाटर अलग कर लिया है और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं। काटने के बाद जो इसके ऊपर की स्किन होती है ब्लैक वाली, ये हम अलग कर लेंगे, क्योंकि मैं अपना हेयर मास्क एकदम स्मूथ बनाना चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ कि अपने बालों में जो है कुछ भी पार्टिकल्स इसके अटक जाएं, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। इसका मैंने एक पाउडर रेडी किया है जिसको मैं स्क्रब के लिए यूज़ करूँगी। फिर इसके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो जाए, और उसको ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है। मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें जो राइस बॉईल किया था वो राइस भी हम ले लेंगे। उसके बाद एक बनाना लिया है। हमारे बालों को सॉफ्टन करेगा, शाइन ऐड करेगा, डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो ये वाटर निकला था हमारा कोकोनट का, वो भी हमने डाल दिया है और अच्छे से इसको ब्लेंड करने के लिए हमने कर्ड का यूज़ किया। कर्ड हमारे बालों में शाइन ऐड करता है, कंडीशन करता है हमारे हेयर को, और इसको हमने छान लिया है। इसीलिए छाना है, जो इसका दरदरा पार्ट ये बच गया है वो हमारे बालों में अटके नहीं, इसलिए हमने इसको छान लिया है। और इसका हमने जो है अपने लिए बॉडी स्क्रब हम रेडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हनी ले लिया है, हमारे बालों को कंडीशन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हमारे बालों को स्ट्रेट करेगा। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद स्मूथ सा पैक बन के रेडी हो गया है। और अपने बालों में छोटे छोटे सेक्शन बालों के लेने हैं और अपने बालों में रूट से लेकर टिप्स तक अपने बालों में अप्लाई करना है। ये मैंने अपनी बेटी के यूज़ किया है, आप देख सकते हैं पूरा बंद बना दिया है, अच्छे से बालों में लगा लिया है। और उसके बाद मैंने ये अपने यूज़ किया है, तो इतना सारा मैंने मास्क रेडी किया था कि मेरी बेटी के, मेरे, हम दोनों के लग गया है। तो आप इसको बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। नहाने से एक घंटा पहले आपको अपने बालों में इसको लगाना है और उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हमने यूज़ करी हैं सारी बालों के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा बालों को बेनिफिट देती हैं। आप देख सकते हैं मेरी बेटी के हेयर और मेरे हेयर, दोनों के हेयर मैंने यहाँ पर शो करे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सिल्की हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, शाइन ऐड हो गई है, स्ट्रेट हो गए हैं। और नेचुरल इन्ग्रीडियंट से हमें क्या चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए।